आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार दर्शकों, अमेज नाउ के खास कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अमेज नाउ की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको सच्चाई से अवगत करवाते रहें, जो भी देश दुनिया समाज में घटित हो रहा है उससे आपको रूबरू करवाते रहें। एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश आज हमने भी की है। आज हम आपको ले चलते हैं गोरखपुर स्थित नौका विहार, जो इस समय लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है। मौका हो या छुट्टी का दिन, लोग बाग यहाँ एंजॉय करने बड़ी संख्या में आते हैं। नए साल की शुरुआत का ये दौर है, नए साल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लेकिन पिछले 2 सालों का मंजर हम सभी ने देखा है। महामारी के समय सारी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था। क्या हालत थी दुनिया की, ये सब हमने देखा। कितनी मुश्किलों से हम सभी इससे उबर सके, इस डर से बाहर आ सके, तभी इसकी तीसरी लहर ने भी दस्तक दे डाली। अब ऐसे में लोगों के अंदर कितना डर है भी या नहीं, और ऐसे समय में नए साल की शुरुआत है, नौकायान पर हुजूम उतरा पड़ा है। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, और ऐसे में प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का भी अनुपालन हो रहा है या नहीं, ये भी आप साफ साफ देख सकते हैं। हमारी टीम ने जब कुछ लोगों से बात की तो ऐसे भी लोग मिले जो समाज को गाइडलाइन का अनुपालन करने की सलाह तो दे रहे हैं, पर सलाह देने में लोग ज्यादा यकीन करते हैं। जी, अभी तो मैं यही सबको सलाह देना चाहूँगा, पूरे गोरखपुर के जितने लोग यहाँ पे वासी रहते हैं, उसके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अभी जो नया वेव आया हुआ है उसको बचाते हुए हमको जितना जरूरत हो सके उतना बाहर निकलना है। इसी के साथ नए साल का जश्न भी करना है, तो जितना दूरी बनाकर मास्क तो एकदम कंटिन्यू हमको बाहर, यही बात मैं बोलना चाहूंगी, ना आपने मास्क लगाया ना सोशल नहीं, मैं अभी 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 आपसे बात, देखिए हमारे फ्रेंड लगाए हुए हैं, परिवार का किस तरह से बचा करेंगे। बस वही तो मैं बता रहा हूँ मैम आपसे ना, कि जो हम लोग बाहर निकल रहे हैं विदाउट मास्क नहीं निकलना है। भीड़ से जितना बच सके, भीड़ से भीड़ की जगह पर ना जाए, अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस बनाकर हमको जाना चाहिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले वैक्सीन लें। जिसके घर में ना लगा हो, मैं तो दोनों डोज अपना लगा चुका है, हमारी फैमिली में कोई बाकी नहीं है वैक्सीन से। सबसे जरूरत अभी वैक्सीन है। इसके बाद जो वेव आया उसको बचाते हुए हमको जश्न नहीं करना, नया साल आया बहुत लोग कर रहे हैं तो डिस्टेंस बनाकर करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए। किसी के मन में कितना डर है और भय है, ये इस भीड़ को देखकर आपको पता ही चल रहा होगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कितनों ने मास्क लगाया है और कितनों ने नहीं लगाया। साथ ही साथ बोटिंग भी की जा रही है, जिसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मेले जैसा यहाँ का माहौल है। रोजी रोटी जिनकी इस भीड़ पर निर्भर है, वो भी अपने छोटे मोटे सामानों के साथ अपनी दुकानों को सजाए बैठे हैं। मैं तो बहुत मंदा है, 500-600 रुपए रोज बेच के जा रहा हूँ मैं, इससे नया साल से पहले बहुत अच्छा से बेच के जा रहा था नया। कहीं फूल मिल रहे हैं, कहीं चूड़ी कंगन, तो कहीं कान के झुमके और कहीं खिलौने भी। बच्चे भी खूब इस झूले का आनंद भी उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बोटिंग के लिए तो लोगों में जो क्रेज है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमारी टीम ने जब बात की तो उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है अपनी सुरक्षा के बाबत, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आइए उन्हें भी देखते हैं। तो उसका वही है कि मास्क लगाए, वैक्सीनेशन हम लोग का मतलब हो चुका है दोनों डोज, और उम्मीद तो यही करेंगे कि पिछली बार जितना भयंकर नहीं हो,
जी हमारा रहता है सेफ्टी, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहे उसके हिसाब से आप नया साल मनाइएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप बाहर निकल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ है, अगर गवर्नमेंट उसको बोल रही है रुकना है घर में तो उसके बाद आप घर में रुकिए, नहीं मनाइएगा बाहर जाके। अभी सेफ्टी के साथ दोनों वैक्सीनेशन हो जाए थोड़ा जा सकते हैं बाहर वगैरह भी, और ऐसा कुछ नहीं है, अपना सेफ्टी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं बाहर, सेफ्टी रखे। आप देखिए कि ये लोग सलाह मशवरा तो दे रहे हैं, घर से बाहर न निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। अब भला इन्हें क्या जरूरत पड़ गई घर से बाहर निकलने और घूमने की ऐसे माहौल में, ये तो वही जाने। आपका नाम? आकांक्षा। अच्छा आप कहाँ से हैं? हम लोग महाराजगंज से हैं। महाराजगंज से आप लोग आए हैं? हाँ। अच्छा कुछ हाउस वाइफ है या कुछ? हाउस वाइफ है। अच्छा आप लोग नौकायान पे आए हैं? हाँ नौकायान पे फैमिली के साथ आए हैं, हम लोग फैमिली मेंबर हम लोग सब लोग। नया साल मनाने के लिए आए हैं? ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद हम सभी सेफ हैं, ये तो सच है, पर ऐसे में हम इसकी चेन न बने, हम इसके माध्यम न बने, इससे भी हमें बचना होगा। लोगों को समझना होगा कि दो डोज से तो आप बचेंगे पर इसके चेन बनने से, इसको फैलाने के माध्यम हम ना बने, इसका भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी छोटे बच्चों को डोज नहीं लगे हैं, किशोरों की वैक्सीनेशन अभी चल रही है। अभी यह छोटे बच्चे जो इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अबोध हैं, जानकारी से दूर हैं, उन्हें भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। पर इन लोगों को क्या कहा जाए जो नए साल के नाम पर, छुट्टी के नाम पर एंजॉय करने के लिए इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, अपने साथ साथ अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग हैं और परिवारों को भी देखा गया है जो अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे लेकिन कोशिश नाकाफी थी। इस मामले में हमने गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे से भी बात की तो उन्होंने अपनी तैयारियों का ब्यौरा दिया। जो की संख्या इधर मरीज जो है पॉजिटिव ज्यादा आने लगे हैं और उनको जो है ज्यादातर पेशेंट होम आइसोलेशन में है, दो मरीज हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी सब लोग घर पर ही हैं। देखिए अभी सबको हम कोविड मान के चल रहे हैं, जो कोविड के इलाज हैं ओमिक्रॉन के, और किसी इसमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो कोविड के पेशेंट हैं, कोविड के पेशेंट चाहे ओमिक्रॉन के हों, चाहे डेल्टा वायरस हो या जनरल हो, सबका ट्रीटमेंट पहलू एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड वैक्सीनेशन है। जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन हमारा सेचुरेट होता जा रहा वहाँ हो रहा, संक्रामक रोग में कुछ वहाँ पर कुछ उनकी बिल्डिंग में कोई इशू था, उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सामने अपने यहाँ एक महिला अस्पताल में और एक MRI बिल्डिंग के बगल में दो वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किया है, जहाँ पर काफ़ी लोग प्रचुर मात्रा में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 46 एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं, 5 एम्बुलेंस हमारी केवल सैम्पलिंग कर रही हैं और हमारी 30 एम्बुलेंस जो है वैक्सीनेशन के लिए चल रही हैं। दर्शकों ये प्रोग्राम आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आप सचेत हों, सजग हों, संवेदनशील हों और हमारे देश, प्रदेश और परिवार के भविष्य को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास जरूर करें। यदि बड़े नहीं करेंगे तो भला बच्चे पीछे कहाँ रहने वाले। तीसरी लहर आ चुकी है, काफ़ी संख्या में संक्रमण भी फैल रहा है, जिन्होंने नहीं वैक्सीन लिया है वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, साथ ही साथ गाइडलाइंस का भी पालन करते रहें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं बस शांत पड़ा है। आप अलर्ट हो जाएं, सजग हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो धीरे धीरे तीसरी लहर भी निकल जाएगी, गुजर जाएगी। इसी अनुरोध के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।